साफ क्या बोल रहा है, एक एसोसिएशन है जिसमें कितने मेंबर्स है, 51, ठीक है। क्या लिखा है, QHF नहीं है। स्टार्ट करते हैं वो बैंकिंग बिजनेस विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। एक साल बाद वो 6 मेंबर उसमें से क्या हो जाते हैं, रिटायर, तो भाई लिमिट में आ जाते हैं वो लोग। देर आफ्टर 3 मेंबर इंस्टीट्यूट असूट। क्वेश्चन ये है कि 3 लोग केस फाइल करते हैं और बोलते हैं कि हमें जो ये एसोसिएशन है, इन्होंने जो एसेट्स लिए, उन एसेट्स में हम क्या चाहते हैं, अपना खुद का हिस्सा चाहते हैं, वो पार्टीशन चाहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डिस्कस द फैक्ट ऑफ सच अ सूट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई जो वो सूट है ना, वो फाइल होगी कि नहीं होगी। कंक्लूजन सीधा सा है कि वो फाइल नहीं होगी। अब खुद सब लोग अपने आंसर को थोड़ा सा इमेजिन करो, कितने बच्चों ने लिखा है सूट होगा कि नहीं होगा, जिन्होंने लिखा उनको नंबर मिले हैं, और जो ये हाथ उठाए हुए उनकी कॉपी मैंने देखी है, नंबर मिले। बाकी बच्चे भी इसी क्लास में थे ना, आपको प्रॉपर एक्सप्रेस करना था ना। क्लाइंट आकर आपसे ये पूछ रहा है कि भाई हमें उस एसोसिएशन पे केस फाइल करना है क्योंकि हमें उसके एसेट्स का कुछ एक हिस्सा चाहिए, तो बींग अ सीएस आप क्या बोलोगे कि नहीं भैया आप केस फाइल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सूट फाइल नहीं होगा पार्टीशन के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, वो एसोसिएशन एसोसिएशन जैसा रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो तो इलीगल एसोसिएशन है। पूरा लीगल प्रोविजन बताना था विद एक्सेप्शंस बताने थे। कुछ बच्चों ने बहुत शॉर्टकट लिखा है, इतना शॉर्टकट अलाउड नहीं होता है बच्चों। टू द पॉइंट समरी नोट्स बनाकर दे दिए तुम लोगों ने, प्रॉपर सारी चीजें एक्सप्रेस करनी चाहिए, ठीक है। तो कंक्लूजन गलत, सब कुछ गलत, अगर आपने लीगल प्रोविजन कितना ही गलत कितना ही सही लिखा है इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। पहला क्वेश्चन समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपनी एंड कॉरपोरेशन, थोड़ा समझो डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा है। सबसे पहला रूल, हमेशा टेबल फॉर्मेट बनाओगे। ये टेबल फॉर्मेट क्या होता है, एक तरफ अपन कंपनी के बारे में लिखेंगे, एक तरफ अपन क्या बताएंगे, कॉरपोरेशन। और सबसे पहले, इन सबसे भी पहले पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होता है, बेसिस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अगर बेसिस बनते हैं तो वेरी 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 गुड। सबसे पहला ऑप्शन आपको बेस, जो डिफरेंस बिटवीन का होता है ना कॉलम वाइज, वही सबसे बेस्ट फॉर्मेट होता है। अगर वो नहीं बनता है, अगर वो नहीं बनता है तो लास्ट ऑप्शन होता है कि जो आपको बनता है आप लिखो कंपनी, कंपनी के बारे में जो कुछ जानते हैं लिख दो, फिर आप क्या लिखोगे, कॉरपोरेशन, और जो कुछ बनता है लिख दो, ये लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। अब जबरदस्ती के पॉइंट्स बनाने के चक्कर में गलत गलत लिख कर आ गए। क्या बनाया है कुछ बच्चों ने कि भाई कंपनी जिसमें प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, तो कॉरपोरेशन में लिख दे कि इसमें नहीं होती। अरे भाई अगर आपको याद हो मैंने कॉरपोरेशन का मतलब बताया तो वो ज्यादा वाइडर होता है। कुछ बच्चों ने लिखा है, ऐसे नहीं कि नहीं लिखा, कुछ बच्चों ने लिखा है, ठीक है। कॉरपोरेशन टर्म ज्यादा वाइडर है, कंपनी टर्म नैरो है। याद करो कॉरपोरेशन में क्या बोला था, फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड होती है, ये सारी बातें लिखनी थी। अगर ये सब भी याद नहीं आ रहा है तो बस सीधे से डेफिनेशन लिखकर आ जाओ, कंपनी की एटलीस्ट डेफिनेशन लिख देते, कुछ तो नंबर मिलते। कितने मार्क्स का है यहाँ पर, 4 मार्क्स ईच मान के चलो अगर मैं, ठीक है, तो 4 मार्क्स का है तो 2 नंबर तो मिलेंगे कंपनी के बारे में लिखने के लिए, भले ही कॉर्पोरेशन के बारे में चलो कुछ याद ना आ रहा हो, तरीका समझ में आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड क्या लिखा है, मोड्स ऑफ पेमेंट अंडर द फाइलिंग ऑफ द फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। सबसे लास्ट टॉपिक था इस पूरे चैप्टर का, 3 मोड थे, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और रेमिटेंस, ये 3 चीजें थी, ठीक है। अब जमाने भर की चीजें बच्चों ने लिखा है, जिन्होंने लिखा है उनको नंबर मिला है। जिसमें मुझे कंटेंट कम लगा है कि मैं चाहती थी इन 3 पॉइंट्स को तो लिखा है लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्रेस करना था तो नंबर कटे, अदरवाइज जिसने लिखा है उसको नंबर मिला है। ट्राई करेंगे शॉर्टकट अवॉइड करेंगे, किसी ने UPI लिख दिया है, UPI से सिंगल काम नहीं चलने वाला, पूरा फुल फॉर्म होना चाहिए था और UPI वाला तो ऑप्शन यहाँ पर था ही नहीं, कहाँ से UPI आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब अगर आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे MCA से, सिंगल MCA लिखा, आपको शॉर्टकट अलाउड नहीं है, आपको अपने आंसर कॉपी में पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही लिखना है, नंबर कटते हैं शॉर्टकट करने के। जैसे प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का है कि आपने पहले बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फिर आपने MCA शॉर्टकट में लिखा, अब आप यूज कर सकते हो। आपने एक बार भी नहीं बताया कि MCA क्या होता है, देखो कॉपी चेक करने वाला भी नॉलेजेबल है, वो भी नॉलेजेबल है, उसे पता है MCA का फुल फॉर्म, लेकिन आपको फिर भी अलाउड नहीं है क्योंकि आप कल को क्लाइंट से डील करोगे, उन्हें क्या पता ये MCA क्या होता है, या फिर कोई भी आप जो भी शॉर्टकट टर्म यूज करो। तो इसीलिए आपकी फ्रॉम द फर्स्ट डे ये प्रैक्टिस डाली जाती है कि आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना है, ठीक है।
एक बार अगर आपने बता दिया आंसर में कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और ब्रैकेट में लिख दिया एमसीए, अब आगे पूरे आंसर में शॉर्टकट यूज करोगे तो फिर भी अलाउड है, लेकिन एक बार फुल फॉर्म तो बताओ। बिना फुल फॉर्म बताए अगर आप आंसर लिखते हो तो ये गलत हैबिट है, प्लीज इसे इंप्रूव करें। ठीक है, क्वेश्चन रीड करियो। एमसीए इज अ प्राइमरी कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट, एलएलपीज एक्ट, ठीक है, अदर अलाइड एक्ट। इन द व्यू ऑफ द सेम एलओसी द एजेंसीज, यहां पे साफ पूछा है एजेंसीज के नाम बताइए। अब एजेंसीज में क्या क्या आते हैं जरा बताओ मुझे। आरओसी आता है, आरडी आता है, तो वो पूरे नाम याद आ रहे एजेंसीज के? किसी ने बस सिंगल बस नाम लिख दिया, क्यों बनस कैसा लिखा था? पूरा एमसी के बारे में लिखते हैं, नहीं मिलने वाले नंबर। एजेंसीज पूछी है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हमें बताओ केस फाइल कर सकते कि नहीं कर सकते, सेम हमें एजेंसी के बारे में बताओ। जमाने भर की बातें, देखो याद नहीं आ रहा तो फिर लिखा तो वेरी गुड, पता था समझ में नहीं आया इसे ठीक करना है तो चलेगा, है ना, लेकिन उसमें फिर नंबर नहीं मिलेंगे आपको। गिनती के आधा एक नंबर मिल गया तो बड़ी बात है, यस, आधा एक नंबर मिलना बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज कट कर दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं, ठीक है, कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ तुम लोगों को, थोड़ी देर से कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करूंगी जब टाइम रहेगा, है ना, 15 मिनट पहले दे दूंगी ताकि डिस्कस भी कर लूँ, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि पूरे एक घंटे तुम लोग कॉपी देखते रहोगे थोड़ी थोड़ी देर में और स्क्रीन का क्वेश्चन भूल जाओगे। क्वेश्चन बस देखो बच्चों, रीड करो, बताओ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आए? देखो 8 मार्क्स का लिखा है, भूल जाओ, अब 8 मार्क्स के नहीं आते, सिलेबस बदल चुका है, ठीक है, अभी तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का आएगा। 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन किसी जमाने में आते थे, 2024 चल रहा है, कब का क्वेश्चन है, 2014, यार 10 साल पुराना है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आते ऐसे ही हैं, ठीक है, 8 मार्क्स के नहीं आ रहे, तो आपके दिमाग में 4-5 मार्क्स का ही होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन केस ऑफ द कंपनी व्हाट एवर इज नॉट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज प्रोहिबिटेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ द अल्ट्रा वायरस, डिस्कस द रिलेवेंट केस लॉ। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की बात कर रहा है, दिमाग में क्लिक हो गया, एक केस का नाम भी पूछा है, एशबरी, एशबरी रेलवे वर्सेस था, ठीक है, याद आया केस, इन्होंने कहा कि भैया केस का नाम भी बताओ। अब मान लो ये 4 या 5, इमेजिन करते हैं 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स में से अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में केस का नाम पूछा है तो दिमाग में ये रखना वो या तो 1 नंबर का होगा या तो 2 नंबर का। केस का नाम अगर बहुत फेमस इंपॉर्टेंट है तो वो 2 नंबर का हो सकता है, लैंडमार्क नाम, ठीक है, अगर केस का नाम उतना लैंडमार्क नाम नहीं पूछा है, कोई भी ऐसा ही केस का नाम पूछ लिया तो वो 1 नंबर का होगा। तो दिमाग में बस रखो 1 या 2 नंबर होता है केस का नाम बताने के लिए, मतलब 5 में से अगर 2 नंबर हटा दूं तो बाकी कितने होते हैं, 3, मतलब बाकी कंटेंट के लिए कितना मार्क्स मिलने वाला है आपको, 3 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ द अल्ट्रा वायरस आपको एक्सप्लेन करना है, क्या करोगे सबसे पहले बताओ, हेडिंग लिखोगे सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले हेडिंग लिखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या दिमाग में आ रहा है? नहीं वो सब बताने की जरूरत नहीं है, चारों डॉक्ट्रिन बताने की जरूरत नहीं है, जिससे पूछूंगी पनस, वेरी गुड, याद करो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अल्ट्रा वायरस का मीनिंग, क्या होता है अल्ट्रा वायरस का मीनिंग, बियॉन्ड द पावर, ठीक है, फिर अगर अल्ट्रा वायरस की बात करें, बियॉन्ड द पावर की बात करें, तो हमने कंपनीज एक्ट भी पढ़ा है, मेमोरेंडम भी पढ़ा है, आर्टिकल भी पढ़ा, डायरेक्टर भी पढ़ा, ये स्पेसिफिक किसको पूछ रहा है, मेमोरेंडम को, फिर आप टारगेट करोगे मेमोरेंडम को और बताओगे कि भाई मेमोरेंडम का एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में जितनी पावर दे रखी है उतनी ही आप कंपनी यूज कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती, अगर उससे ज़्यादा किया तो रेटिफाई होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, अगर यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास कर लिया तो रेटिफाई नहीं होगा। चारों के नाम बताना है, चारों को एक्सप्लेन मत करना, बस नाम बताना है। सेक्शन, इसका सेक्शन क्या था, स्पेसिफिक कुछ था, 6 से स्टार्ट किया था, 6 ही था, 6 नहीं बोला था,
कंपनीज एक्ट पूरा लिखना, सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या बताता है आपको कि आप कभी भी कंपनीज एक्ट को क्या नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते, कोई भी अग्रीमेंट नहीं कर सकता, कोई भी मेमोरेंडम नहीं कर सकता, आर्टिकल नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली किसकी बात हो रही है, मेमोरेंडम। फिर मेमोरेंडम में फोकस हो जाना। बस मैं ये कह रही हूँ आपका नॉलेज अब बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर वायरस को लेकर, लेकिन क्वेश्चन डिमांड कर रहा है बस मेमोरेंडम को लेकर, क्योंकि अब ज्यादा नॉलेज हो तो हम पूरा नॉलेज दिखाएंगे और मेमोरेंडम को कम कर देंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। इसके आंसर को मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो सबसे पहले इनका प्रेजेंटेशन देखो क्या लिखा है। सबसे पहले अल्ट्रा वायरस का मीनिंग लिखा है इन्होंने, अल्ट्रा वायरस कंपनीज एक्ट बताया है इन्होंने, अल्ट्रा वायरस मेमोरेंडम बताया है इन्होंने, क्या बताया है आर्टिकल बताया है और डायरेक्टर भी, ठीक है, समझो। अब ये लोग समझाएंगे तो ये लोग कम शब्दों में समझा पाएंगे, समझा पाएंगे ना, आप लोग समझा सकते हो, आप तो समझाने में आओगे तो भाई एक एक पेज लिखना चालू कर दोगे। इसीलिए आपको बस क्या करना है, नाम लिखना है, और उस नाम को भी अगर एक्सप्लेन कर दियो तो एक लाइन में एक्सप्लेन करोगे। कितना कैसे लिखोगे बताओ, इनकी लैंग्वेज एक बार रीड करो, अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनीज एक्ट रीड करो, पहली लाइन रीड करो क्या लिखा है, लेटेस्ट पुराने कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ तो वही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या लिखा है, अल्ट्रा वायरस का मीनिंग लिख लेंगे। अब इन्होंने बोला कि भाई जो अल्ट्रा वायरस की जो एक्टिविटी है ना वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 4, कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम, और फिर से ये लोग क्योंकि मॉड्यूल में भी डायरेक्टर को छुपा के लिखा था तो इन्होंने यहाँ पे ही लिखा है। अब मैं आपको ये कह रही हूँ क्या लिखा है, एनी एक्ट डन कॉन्ट्रेरी टू या फिर एक्सेस द स्कोप ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द कंपनीज एक्ट विल बी अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनीज एक्ट, खत्म। अगर आप ऐसा कोई भी एक्ट करते हो तो वो क्या होता है, वॉइड। अगर आप भी बस इतना लिख रहे हो तो चल जाएगा, लेकिन आप कम बातों में ज्यादा बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो आप बहुत ज्यादा ज्यादा लिखना चालू करते हो, क्या बात समझ में आ रही है, कितना सिंपल लिखा है दीदी ये। अब हम कैसे सीखेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या होता है ना, आपको अपनी ना मॉड्यूल को अच्छे से रीड ही करना होता है, आप रीड करके उनकी जो लिखी हुई बातें हैं ना उन्हें एज इट इज बोलना सीखो, उसे एज इट इज एडॉप्ट करो, तो स्टार्टिंग में यही होगा और धीरे धीरे बाय डिफॉल्ट ये आप खुद करने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में चीजों को लिखने का तरीका तो आपको लेना पड़ेगा ना। अब इसी चीज को आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर दोगे तो पूरा फोकस किस में आ जाएगा, अल्ट्रा वायरस ऑफ कंपनीज एक्ट में। हमें फोकस किस में चाहिए, हमें फोकस किस में चाहिए, मेमोरेंडम में चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो अगर एक्सप्लेन करोगे तो भैया एक लाइन से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन, लेकिन इनकी 1-2 लाइन तो हमारी तो भैया 5-6 लाइन होती है ना, हमारी हैंडराइटिंग अलग है भाई, इनकी तो प्रिंटिंग है, ठीक है। तो लिखना है तो बस इतना ही लिखना कि भाई कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड अगर आप जाते हो, ठीक है, तो वो वॉइड कहलाएगा, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाते हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वॉइड, ठीक है। फिर उन्होंने यही चीज किसको लेकर लिखा, एओ को लेकर लिखा, एग्जाम्पल दे देके। अब इन्होंने देखो यहाँ पे केस का नाम बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, केस का नाम बताया। अब फिर उन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि भैया जनरल रूल ये है कि अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी इनकेपेबल ऑफ रेटिफाई, भाई रेटिफाई हो सकता है क्या, नहीं होता है, ये बात बताई। फिर उन्होंने और बातें बताई, इन्होंने तो भैया कोई सीमा ही नहीं छोड़ी, क्या लिखा है भाई, लेकिन ये बातें जब आप मेमोरेंडम को एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना तो वो अपने पैराग्राफ में आप लोग खुद लिख रहे होंगे, बस उन्होंने अच्छे प्रेजेंटेशन में क्या बोल दिया, इफेक्टिव बता दिया। याद करो जब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस अगर हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या है, वॉइड, एब इनिशियो, फिर क्या लिखा है, इंजंक्शन, याद आ रहे हैं पॉइंट्स, फिर क्या लिखा है, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर। अब देखो इन्होंने कम कम हमें ट्राई करना है, जब हम अपनी बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं ना तो कंटेंट सब में कम लिखना, अगर आपके पास बातें नहीं है तो कंटेंट फिर बढ़ना चाहिए आपका, यहाँ पे बताने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है, तो कंटेंट आपका क्या होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। फिर वही ये सारी सेम पॉइंट्स है, याद आ रहे, याद आ रहे, खत्म, क्योंकि उस टाइम पे ये 8 नंबर का था तो इन्होंने इसीलिए बहुत ज्यादा लिखा है, लेकिन मैं इमेजिन करो 4 या 5 नंबर का है, इमेजिन करो 5 नंबर का है, तो आपको क्या करना है, पहले अल्ट्रा वायरस का मीनिंग बताओगे, फिर क्या बताओगे, अल्ट्रा वायरस के 4-5 है, कंपनीज एक्ट, मेमोरेंडम, आर्टिकल, और फिर आप फोकस करोगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेमोरेंडम को, मेमोरेंडम को फोकस करते हुए बताओगे कि अगर आप इसे रेटिफाई करने का सोच रहे हो तो ये रेटिफाई नहीं हो सकता। फिर केस का नाम बताओगे, केस का नाम कौन सा बताओगे, एशबरी रेलवे वाला केस, और फिर आप बताओगे क्या, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, नाम बताना और ट्राई करना, बस दो 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 लाइन में आप अपनी कोर बात को एक्सप्लेन कर दो।
दो का तीन हो सकता है, ठीक है, अगर मैं तीन बोलूंगी तो तुम लोग चार पांच में आ जाओगे, इसलिए मैं दो बोल रही हूं। मैं अभी ऊपर वाले क्वेश्चन की बात नहीं करूं, अभी मुझे बस इस ये वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आए, पहले बस ये बताओ, मैं वो बताऊंगी, रुको एक मिनट। अगर मैं कह रही हूं ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, क्या लिखा है इसमें, डॉक्ट्रिन ऑफ, सब उतार दिया उन्होंने, सब उतार दिया। अब क्योंकि उस जमाने में ये 8 मार्क्स का आया था, इसीलिए इन्होंने कहा कि भैया डॉक्ट्रिन ऑफ मेमोरेंडम को सिंगल 8 मार्क्स में लिख सकते हैं क्या, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी बातें लिख दी। अगर राइट अ शॉर्ट नोट आता है तो भी सारी बातें लिखनी होती है, और अगर डॉक्ट्रिन ऑफ मेमोरेंडम की बात करते हो तो भी, क्योंकि भाई अगर मेमोरेंडम के अगेंस्ट आप जाते हो तो वॉइड होता है, वॉइड होता है ना, क्या बस वॉइड ही होता है क्या, वॉइड ही होता है क्या, नहीं, वॉइड भी होता है, और क्या होता है, इंजंक्शन भी होता है, पर्सनल लाइबल भी होता है, तो आपको सारी बातें बतानी पड़ेगी, आप आधी बातें बता के छोड़ नहीं सकते, अब चाहे वो मार्क्स कम का ही क्यों ना हो, कंटेंट तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। समझ में आया, तो राइट ऑफ शॉर्ट नोट भी आता है तो भी ये सारी बातें लिखनी पड़ेगी, और अगर आपसे पूछा है कि भाई बताइए कि मेमोरेंडम, मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अकॉर्डिंग पूछा है तो भी आपको पूरी बातें बतानी होगी, क्योंकि मेमोरेंडम के लिए भी तो ये सारी बातें एप्लीकेबल है ना, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस। समझ में आया पक्का, कैसे लिखना चाहिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन रीड करेंगे बच्चों और मुझे बताएंगे क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। हमेशा मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को कहां से रीड करना, पीछे से, ठीक है, इन्होंने कहा सपोर्ट योर आंसर विद द रीजन, ये तो अभी मतलब का नहीं है, पीछे से चलो, क्या लिखा है, विल दे सक्सेड, मतलब क्वेश्चन ये है कि उन्होंने क्या किया होगा, एक सूट फाइल कर रखा है, अब जो वो सूट फाइल कर रखा है क्या वो सक्सीड करने वाले हैं, क्या वो जीतने वाले हैं, तो आपका आंसर यस है कि नो है। कितने बच्चे यस बोल रहे हैं और कितने बच्चे नो बोल रहे हैं कि सक्सीड नहीं करेगा। चलो हमें क्वेश्चन तो समझ में आया, अभी थोड़ी देर से आएंगे, ठीक है। इन्होंने बोला कि हमें ये बताइए सक्सीड करेंगे कि नहीं करेंगे, अब एक बार आओ क्वेश्चन रीड करेंगे, विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल ली जाती है, अमाउंट ऑफ कितना 50 करोड़ वो स्पेंड बाई दी कोई स्पीड जेट लिमिटेड है, ठीक है, इन प्रोड्यूसिंग अ कमर्शियल फिल्म, एक कमर्शियल फिल्म बनाएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन ली और उन्होंने ये फिल्म बना दी, कितना भाई, कितने का खर्चा किया उन्होंने, 50 करोड़ का खर्चा। इसमें साफ लिखा है नॉट कवर्ड अंडर द ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो कवर नहीं है, दिमाग में क्या क्लिक हो रहा है, मेमोरेंडम, अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस किसकी बात हो रही है, मेमोरेंडम, सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं मेमोरेंडम का ही होता है, ठीक है, हम बाकी सब भी आ सकते हैं लेकिन मेजोरिटी में यही इंपॉर्टेंट है। द फिल्म वॉज कंप्लीट फ्लॉप, बर्बाद हो गई, कंपनी ने लॉस किया, कितना 40 करोड़ का नुकसान हो गया, ठीक है, सम ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी ऑब्जेक्ट, भाई इन्होंने क्या बोला, मेंबर्स ने क्या किया, ऑब्जेक्शन रेज किया, इन्वेस्टमेंट नॉट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी, साथ में उन्होंने क्या किया, फाइल किया सूट, मेकिंग द डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल टू मेक द गुड द लॉस, जितना भी लॉस 40 करोड़ का हुआ है भाई डायरेक्टर पर्सनली लाइबल है, ऐसा उन्होंने केस फाइल किया। फिर से पूछ रही हूँ, कितने बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन समझ आने के बाद, ठीक है, कि मेंबर केस जीत जाएंगे, कितने बच्चे बोल रहे हैं कि मेंबर केस हार जाएंगे, रीजन क्यों हार जाएंगे, अप्रूवल ऑफ बोर्ड लिया था, तो तू तो फेवर में होना चाहिए ना, तूने आंसर सही दिया है। समझ में आया, बच्चे आधे ज्यादा गलती क्या करते, पनस ने आंसर सही दिया है लेकिन वो उसने क्या बोला, अगेंस्ट। अब समझना, समझना क्वेश्चन, फिर से समझो, फिर से समझो, ये एक सिली मिस्टेक में आती है बच्चों, अक्सर बच्चे क्वेश्चन रीड करने के बाद उन्हें लगता है हाँ हम तो सही है, लेकिन लिखने का तरीका उस तरीके से आ जाता है जिस कारण से गड़बड़ होता है। इन्होंने कहा केस फाइल किसने करी है, सूट फाइल किसने किया है, कंपनी के मेंबर्स ने, तुम लोगों कंपनी, मैंने एक पिक्चर बना दी, ठीक है, डायरेक्टर की अप्रूवल लेकर, समझना, डायरेक्टर की अप्रूवल, रॉकी सर मैंने डिस्कस किया अभिषेक सर के साथ और हमने एक मूवी बना दी जो हमारी ऑब्जेक्ट क्लॉज में था ही नहीं, ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं था मतलब मेमोरेंडम में नहीं था, क्या मैं ऐसा काम कर सकती हूँ क्या, बिल्कुल नहीं कर सकती, ठीक है, लॉस हो गया, तुम लोगों ने सबने ऑब्जेक्शन रेस कर दिया, दीदी ऑब्जेक्ट क्लॉज में तो था ही नहीं, हमने तुम्हारी बात मानी नहीं, तुम कहाँ चले जाते हो, कोर्ट के पास, एनसीएलटी है, बस मैं कोर्ट बोलूंगी, ठीक है, तुम लोग कहाँ चले जाते हो, कोर्ट में, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हो कि जो ये लॉस हुआ है ना ये कंपनी का लॉस नहीं हुआ है, डायरेक्टर को पकड़ो, ये डायरेक्टर की गलती के कारण हुआ है, डायरेक्टर पर्सनली लाइबल होगा,
तो कोर्ट क्या डिसीजन देगा पनस, समझ गया? तो सक्सीड में आएगा तू, ठीक है? समझा? तुम यही बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे प्रत्यक्ष? कुछ नहीं, हाथ ऐसे खड़ा किया था नालायक। हाँ, क्योंकि लॉस हो गया। अब देखो, किसी को नहीं पता चल रहा तो बात अलग है, यहां पता चला कि भाई इतना लॉस किया, वो ऑब्जेक्ट लॉस में तो था ही नहीं, तो इन्वेस्टर केस जीत जाएंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है विल दे सक्सीड, तो आंसर क्या होगा? यस, वो इन्वेस्टर सक्सीड हो जाएंगे। कंक्लूजन समझ में आया? पहली फुर्सत में कंक्लूजन समझ में आना चाहिए। कंक्लूजन अगर सही है तो फिर मेहनत होनी चाहिए लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन में क्या एक्सप्लेन करोगे? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम एक्सप्लेन करोगे। नीचे आओ, सीधा कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन क्या लिखा है? थस मेंबर ऑफ दी स्वीट जेट लिमिटेड विल सक्सीड इन देयर क्लेम मेकिंग डायरेक्टर पर्सनली लाइबल, वो जो भी लॉस है उसे वो ठीक करेगा, 40 करोड़ का नुकसान जो भी हुआ उसकी वो भरपाई करेगा। क्या ये समझ में आया कंक्लूजन? ठीक है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। ये तो इफेक्ट वाला है ना, यही तो पढ़ा। हाँ, तो ये एक्सेप्शन है। ये क्या लिखा है? इफेक्ट, धुंधला याद रहता है। नहीं, डिफाइन नहीं करना। उन्होंने क्या बोल रहा है, क्या बोल रखा है, कहाँ गया? रिलेवेंट केस लॉ का बस नाम बताओ, और जब आप एक्सप्लेन करोगे। हाँ, बता रही। डिस्कस लिखा है, लेकिन डिस्कस में क्या बताने का? ओनली कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन क्या था? कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में फाइनेंस नहीं था, जिस कारण से उन्होंने फाइनेंस की एक्टिविटी करी। बस मैं कह रही हूँ कि कम शब्दों में लिखना है, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है। जब आपको इतनी सारी बातें बतानी है ना, आपको क्या क्या बताना है? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बताना है, उसमें वो चार चीज बतानी है, मेमोरेंडम को फोकस करते हुए जाना है, एशबेरी का केस भी बताना है, तो बस कंक्लूजन बताओ। कंक्लूजन में ये बताओ कि एशबेरी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो काम नहीं था जो उसने किया। बात को खत्म वहीं कर देना, क्योंकि तुम्हें एशबेरी का केस पूरा पता है। तुम बताओगे उसके ऑब्जेक्ट में ये लिखा था, ये लिखा था, ये नहीं लिखा था, फिर एक रिच आया, रिच ने फिर ये किया वो किया। इतनी कहानी बताने जाओगे तो बच्चा तुम्हारे 5-6 पन्ने लगने वाले, और नंबर वो 5 का ही होगा। देखो, सपोर्ट योर आंसर विद दी रीजन। क्या यहां पे केस का नाम लिखा है? पहले तो बताओ। अगर क्वेश्चन में केस का नाम नहीं पूछा है तो बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आप तो पढ़कर आए हो, मेहनत करके आए, तो रेफरेंस के लिए नाम यूज करोगे, तो आपका आंसर और स्टैंडर्डाइज हो जाता है, आपका आंसर भीड़ में अलग दिखता है। नहीं पूछा है तो बता दिया, तो बहुत अच्छी बात, बस गलत मत बताने, नहीं तो नंबर भी कटते फिर। हाँ, कर सकते, लेकिन पूछा नहीं है, पूछा नहीं है, लेकिन हाँ यूज कर सकते हैं, अपने आंसर को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं कि हाँ डॉक्ट्रिन ऑफ मेमोरेंडम होता है एक हमारा, जिसमें एक लैंडमार्क केस है एशबरी रेलवे। जितने ज्यादा लैंडमार्क केस के नाम यूज करेंगे उतना आंसर आपका बेटर होता है। नहीं, अब इतना नहीं, वही मैं करूँ, ये केस है। अब समझो, वो क्वेश्चन प्लेन क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन क्या है? केस स्टडी। अब जैसे केस स्टडी आते हो तो तीन फॉर्मेट मैंने बताए थे। पहला क्या लिखने का? लीगल प्रोविजन। फिर क्या लिखने का? फैक्ट्स। फिर क्या लिखना? कंक्लूजन। सबसे पहले हमने कंक्लूजन समझ लिया, नीचे कंक्लूजन है। अब यहां से ये जो दो पैराग्राफ है, इन्होंने लीगल प्रोविजन और फैक्ट्स बताए, ठीक है? आओ, इन्होंने क्या बताया? लीगल प्रोविजन में तो सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा अल्ट्रा वायरस होता क्या, बताओगे ना? ये तो अल्ट्रा वायरस इज वॉइड, और क्या लिखा है? डज नॉट बाइंड दी कंपनी। साफ इन्होंने बोल रहा, भैया अल्ट्रा वायरस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल कंपनी है क्या? हम तो फर्स्ट डे से समझ रहे कंपनी की, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के अलावा अब कौन आएगा हमारे साथ? डायरेक्टर। डायरेक्टर पर्सनली लाइबल होता है, तो साफ लिखा है नॉट बाइंड द कंपनी, नाइदर द कंपनी नॉट द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। कोई तीसरा भी नहीं आएगा, सीधा यहाँ पर भैया किसको पकड़ा जाएगा? डायरेक्टर को। कंपनी कैन नॉट मेक इट वैलिड, इसे ठीक भी किया नहीं जा सकता। कैसे वैलिड करने की बात करें? रेक्टिफिकेशन के थ्रू। क्या मेमोरेंडम की बातों को क्या शेयरहोल्डर से रेक्टिफाई करवा सकते हो? नहीं। इवन एवरी मेंबर भी अगर हाँ बोल दे, एसेंट दे दे अपनी, तो भी इसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये है इनका स्टार्टिंग का प्रोविजन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने बोला इट इज द ड्यूटी ऑफ द डायरेक्टर टू एंश्योर द कॉर्पोरेट कैपिटल यूज ओनली फॉर द एस्टिमेट बिजनेस, ठीक है? हेंस इफ द कैपिटल इज डाइवर्ट द पर्पस ऑफ द फॉरेन टू अ कंपनी मेमोरेंडम द डायरेक्टर विल। अभी उन्होंने कहानी बताना चालू किया, भैया डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें पूरे फैक्ट्स उन्होंने बताए कि भाई डायरेक्टर ने क्या किया, मिस यूज किया, ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बातें नहीं लिखी थी उस पर्पस के लिए यूज किया। तो ये पूरी इन्होंने बातें फैक्ट्स के साथ बता के सीधा कंक्लूजन बताया। समझ में आया? अभी हमने दो पैटर्न देखे, एक प्लेन क्वेश्चन था और एक क्या था?
केस स्टडी, केस स्टडी में क्या लिखना है, लीगल प्रोविजन, फिर क्या लिखना है, फैक्ट्स, पोजीशन ऊपर नीचे हो जाएगी, एग्जामिनर कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड आंसर क्या होता है, पहले क्या बताओगे, लीगल प्रोविजन, फिर क्या बताओगे, फैक्ट्स, फिर क्या बताओगे, कंक्लूजन। और प्लीज कंक्लूजन ऐसा हाईलाइट होना चाहिए, मैंने कहा था हाईलाइट होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों ने हाईलाइट नहीं किया, पहला टेस्ट था बच्चा, ठीक है, तो इसीलिए चलेगा, बार बार फिर से बताऊंगी, हाईलाइट करो अपने आंसर को। 80-90% बच्चा आंसर राइटिंग का ही रोल होता है आपके एग्जीक्यूटिव को पास कराने में। अगर आपको लिखते नहीं बन रहा है तो सीख जाओ, ओरली मुझे कितना भी बता लोगे, वहां तुम्हारा ओरल टेस्ट नहीं है, रिटन टेस्ट है, वो आपका नॉलेज आपकी कॉपी से जज कर रहे हैं। नहीं करेगा, साइज बहुत लीस्ट हो जाता है, बस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, ज्यादा मत लिख देना, बहुत ज्यादा लिखोगे तो भाई उसे लगेगा भाई क्या पंचायत बताने लगे, कम से भी काम नहीं चलने वाला, मैं कह रही हूँ अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फिर अगर मैं कहूँगी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तो फिर अगर ऑप्शन आता है, चॉइस आती है कि दीदी कम लिखेगी बहुत ज्यादा, फिर तो मैं कहूँगी बहुत ज्यादा लिख लो, कम मत लिखना, बस। समझ में आया? वैसे तो मैंने क्या बोला कि अपनी बातों को पूरा कवर करो, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मत लिखो और बहुत कम भी नहीं, लेकिन स्टिल तुम लोग कंफ्यूज हो कि दीदी यार ज्यादा भी नहीं लिखना कम नहीं लिखना, हमें पता ही नहीं कि प्रॉपर क्या होता है, तो फिर ज्यादा ज्यादा लिखो, बात समझ में आ रही है? लेकिन क्वेश्चन से भटकना नहीं, भटक जाते हैं बच्चे, जैसे पहला क्वेश्चन भटकाने वाला था, फोकस मेमोरेंडम में करना है, बातें बहुत सारी है उसमें, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन दिख रहा है, नीचे से रीड करो बच्चा, क्या लिखा है, एक्सप्लेन द, साफ बोला है हमें मीनिंग चाहिए किसका, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाय, और डिसाइड विद दी, क्या लिखा है, यहां पर कोई नाम होगा कंपनी का, क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई बताओ क्या वो प्रोमिनेंट जो लिमिटेड कंपनी है, वो जो कंपनी है क्या वो सक्सीड करेगी, क्वेश्चन ये पूछा है, तो आपको पहले कंक्लूजन में आना कि सक्सीड होगा कि नहीं होगा, रीड करो पूरा का पूरा केस। बच्चों ऐसा ही होता है, जो लैंडमार्क केसेस होते हैं ना, वो बस नाम हटा देंगे और कहानी पूरी होने की डाल देंगे, तो अगर तुम्हें क्लिक हो गया तो कंक्लूजन पता है ना, तो केस किसने किया है, केस किसने किया है, एशबरी रेलवे वाला केस है, तो जो प्रोमिनेंट लिमिटेड है वो कौन सा वाला रोल प्ले कर रहा है, रिच का। अब मुझे बताओ क्या रिच वो केस जीत गया था, हार गया था ना, तो कंक्लूजन आपको पता है। अब देखो कंक्लूजन तो पता है दीदी, बात अब प्रेजेंटेशन की आती है, कैसे लिखोगे, सेम वही जो हमने पूरा कंक्लूजन समझा है, केस समझा है, पहले क्या बताओगे, लीगल प्रोविजन, लीगल प्रोविजन क्या आता है, लीगल प्रोविजन में डॉक्ट्रिन ऑफ क्या समझाओगे, अल्ट्रावायरस ऑफ मेमोरेंडम समझाओगे, लीगल प्रोविजन, फिर फैक्ट्स बताओगे, फैक्ट्स इसकी कहानी में क्या बताओगे, फैक्ट्स कि इनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में फाइनेंस वाली एक्टिविटी नहीं थी, तो भी इसने क्या कर दिया, प्रोमिनेंट को। अब देखो गलती से, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एशबरी रेलवे होगा, तो एशबरी रेलवे का वर्ड नाम यूज मत करना, अभी केस से कनेक्ट करना, इन्होंने अगर सरप्राइज लिमिटेड लिखा है तो सरप्राइज लिमिटेड वर्ड यूज करो, प्रोमिनेंट लिमिटेड लिखा है तो आपको प्रोमिनेंट लिमिटेड यूज करना है, और कंक्लूजन लिखते वक्त बोलोगे कि हाँ प्रोमिनेंट लिमिटेड ये केस जीतेगा नहीं, बात समझ में आ रही है। फिर क्योंकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज है, अपना एक्स्ट्रा ज्ञान दिखाना, तो एक्स्ट्रा ज्ञान किसे दिखाएंगे, केस का नाम पूछा है क्या, एशबरी रेलवे का, नहीं, बता दो ना कि भाई एक रिलेवेंट केस है, लैंडमार्क केस है इससे रिलेटेड, ऐसा ही सेम हुआ था, किसमें हुआ था, एशबरी रेलवे केस में, बात समझ भाई, ये एक्स्ट्रा ज्ञान आपने दिया है जो आपके क्वेश्चन ने पूछा नहीं है। आओ कंक्लूजन देखो इनका क्या लिखा है, तुम देखो कंक्लूजन कितना क्रिस्प है, कंसीडर द व्यू ऑफ द अबव केस, ये हाईलाइट हो जाना चाहिए, प्रोमिनेंट लिमिटेड कैन नॉट क्लेम दी डैमेज, ठीक है, ये हाईलाइट होना चाहिए। और फैक्ट्स देखो, लीगल प्रोविजन वही जनरल बातें उन्होंने बताई है, इन्होंने फैक्ट्स को मिक्स करके प्रॉपर है ना, लीगल फैक्ट्स को मिक्स करके बताया, और फाइनल कंक्लूजन हाईलाइट होना चाहिए, एग्जामिनर सबसे पहले कंक्लूजन देखेगा, कंक्लूजन देखा कि हाँ आपने बिल्कुल सही कंक्लूजन दिया है कि नहीं हो सकता, फिर वो आगे इन सबको पढ़ेगा और ऐसे करेक्ट करेक्ट करेगा। अगर उसे दिखा कि आपने लिखा है हाँ वो अप्लाई कर सकता है क्या, तो वो यहाँ कट करेगा, जीरो करेगा और कुछ पढ़ने वाला नहीं है। कंक्लूजन केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हो आप एक CS हो, आपके पास एक क्लाइंट आता है और बींग अ CS आप उसे एडवाइस कर रहे हो, तो अगर आपने एडवाइस ही गलत करी तो कितना ही उसको लॉ बता लो, क्या ज्ञान आपका, लॉ पढ़ लिया है
लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हो, तो डिसीजन ही गलत है आपका। तो भाई आपका ये ज्ञान जीरो है, तो कंक्लूजन को लेके बहुत स्पेसिफिक बच्चों, ठीक है? अब तुक्का मार लिया, तुक्के से सही होगा, लीगल प्रोविजन सही होगा, तो फिर नंबर मिलने वाले। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन समझ में आया? कैसे लिखना है ये समझ में आया? केस पूरा है ना? केस बस रीड करना, आंसर देखने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चों ने क्वेश्चन रीड किया? तो पहले पीछे से रीड किया, वेरी गुड, पीछे से ही रीड करना है, ठीक है? आओ, क्या बोल रहा है? अब देखो उसमें लिखा है देयरफॉर दे आर नॉट पर्सनली लायबल कमेंट। क्वेश्चन में कुछ कमेंट वाली बात करी, जब हमें एकदम पीछे से स्टार्ट कर नहीं समझ आए तो थोड़ा सा और ऊपर जाना है। क्या लिखा है? कोई पील वगैरह फाइल करी होगी, डायरेक्टर वर दैट शेयरहोल्डर एंड डायरेक्टर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो इसे हमें क्या क्लिक हुआ कि ये कुछ इंडोर मैनेजमेंट से रिलेटेड बात कर रहा है। चलो अब हम स्टार्टिंग से पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे। कोई मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता है? कौन करेगा, कौन करेगा? अलमस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पेड अप कैपिटल कितना था और उनका रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चा बैलेंस शीट में खोलकर देखा, 10 करोड़ हमारा पेड अप कैपिटल दिखा, रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिखा? नेगेटिव, ड्यू टू ह्यूज लॉस सिंस प्रीवियस फ्यू ईयर्स। कितना? 300 करोड़ का लॉस था उनके बैलेंस शीट में। भाई अब सारे के सारे क्रेडिटर्स खड़े हो जाते हैं दरवाजे में, हमें हमारा लोन पे करो, ठीक है? टू पे द ड्यू टू द क्रेडिटर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास द रेजोल्यूशन फॉर बोरिंग 50 करोड़। 50 करोड़ का वो उधार लेते हैं, ठीक है? और उस फंड को कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए मीडियम टर्म का लोन लिया और उसे पूरा का पूरा यूटिलाइज करते हैं उधार पे करने के लिए। मतलब लोन लिया हमने, एक लोन लिया ताकि हम दूसरे लोन को चुका सके, ठीक? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बाद में पता चलता है, गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट द एक्ट वॉज अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, जिस कारण से वो डायरेक्टर पे क्या करता है? केस फाइल करता है और डायरेक्टर के खिलाफ ये बोलता है कि डायरेक्टर हैव द लिमिटेड लाइबिलिटी। तो उसका ये कहना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, क्योंकि वो आउटसाइडर है, तो वो क्या ट्रीट कर रहा है कि इस केस में क्या लगना चाहिए? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और किसको सपोर्ट मिलना चाहिए? बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट मिलना चाहिए, फेवर होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए क्या डायरेक्टर पर्सनली लाइबल होंगे क्या? बताओ तुम्हें क्या सिचुएशन लग रही है? सानिध का कहना है कि एक्सेप्शन एक्सेप्शन वाले केस में, एक्सेप्शन में क्या आएगा? रिकॉर्ड्स चेक नहीं करे। चलिए लेकिन बैलेंस शीट में तो लिखा है कि लॉस है, बैलेंस शीट का तो रोल प्ले नहीं हो रहा है। और बताओ, और जो दिमाग में आ रहा है, तो मुझे ये बताओ कि जो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये इंडोर मैनेजमेंट, क्या ये इंडोर मैनेजमेंट में कवर होगा? कितने बच्चे बोल रहे हैं इंडोर मैनेजमेंट में कवर होगा? अगर इंडोर मैनेजमेंट में नहीं कवर होगा तो किसमें कवर होगा? किसमें होगा? कंस्ट्रक्टिव नोटिस में होगा। पक्का श्योर हो? इसमें भी नहीं होगा तो होगा क्या? चलो सीधा सा क्वेश्चन, क्या पर्सनली लायबल हो जाएगा वो डायरेक्टर? कितने बच्चे बोल रहे हैं पर्सनली लायबल हो जाएगा? क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, पर्सनली लायबल हो जाएगा। प्रत्यक्ष क्यों पर्सनली लायबल होगा? रीजन बताओ। रीजन ये है क्या? पनस बताओ। आओ, इन द प्रेजेंट केस द बोर्ड हैज टेकन लोन एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट। जिस जिसने जो आंसर दिया था खुद समझते जाओ, है ना, कौन सही और कौन गलत। क्या लिखा है? द बोर्ड हैज टेकन लोन एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब लिमिट, जो भी गिवन है कंपनीज एक्ट में, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, जब आएगा तो पढ़ लेंगे। ये सेक्शन 180 अभी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, ठीक है? मैं हमेशा एग्जाम्पल देती थी ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक लिमिट है, उसके ऊपर उन्हें शोल्डर के पास जाना चाहिए, तो इसका भी एक सेक्शन है, ठीक? तो सेक्शन का नाम दिया, विच अमाउंट टू, क्या लिखा है? अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, देयरफॉर डायरेक्टर आर पर्सनली लाइबल टू रिपे द लोन टू दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। किसने बोला था लोन की लिमिट एक्सीड हो गई? किसने बोला था? आपने भी बोला था, ठीक है? और सानिध्य ने भी एक बात कवर करी थी, क्या बोला था? बात समझो,
तुम लोगों ने ये बोला इंडोर मैनेजमेंट लग रहा है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग रहा है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस ही लग रहा है, सही बोला, ठीक है, क्योंकि सामने वाले को पढ़कर आना था ना, तो कंपनी लाइबल नहीं है। तो अगर कंपनी लाइबल नहीं है तो डायरेक्टर क्या हो जाएगा? पर्सनली लाइबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप काफी हद तक सही सोच रहे थे, बस मेरे एक्सप्रेशन देखकर, है ना, अपने आंसर को बदला मत करो। मैं जानबूझ के ये एक्सप्रेशन दूंगी, क्यों? क्योंकि एग्जाम, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो कोई एक्सप्रेस करने वाला होगा क्या? उसकी शक्ल देख के अपने आंसर को बदलोगे क्या? इसलिए मैं न्यूट्रल गेयर में रहती हूँ कि भाई समझ लो, जो क्वेश्चन बोल रहा है उस पर टिके रहो, अब चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, जो दिमाग में आया रहो ना, उसमें स्टैंड करो ना। सामने वाला तो हमेशा कंफ्यूज करेगा ना, और मैं तो हमेशा ही कंफ्यूज करूंगी बच्चों। मैंने बोला सच में कंस्ट्रक्टिव नोटिस होगा, तो बच्चों बोलते नहीं 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 होगा, नहीं होगा। बच्चों मैंने जानबूझ के बोला ना, क्या बात समझ में आ रही है? तो साफ इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, पूरा केस। अब इन्होंने इतनी सारी बातें करी कि भाई पेड अप कैपिटल 10 करोड़ का है, लॉस है 300 करोड़ का, ये सारी बातें वेस्ट है, ये सारी बातें इधर उधर की बातें आपको घुमाने के लिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है कि कंपनी ने लोन लिया, कंपनी ने क्या किया, लोन लिया, और बस किससे ले लिया, डायरेक्टर की अप्रूवल से लोन ले लिया, और उसका फंड का यूटिलाइजेशन इनको बाद में पता चलता है। ये है मुद्दा कि उन्हें बाद में पता चलता है कि उन्होंने अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन किया है। इसका मतलब बाद में क्या पता चलता है, तुमने पहले ही क्यों नहीं रीड किया? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आपको जब भी केस होगा, केस ना थोड़ा बड़ा होता जाएगा, उस केस में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिलेवेंट फैक्ट है कौन सा इररिलेवेंट फैक्ट है। जो ये बैलेंस शीट में जो ये डेटा दे रखा है ना, ये इररिलेवेंट फैक्ट है। रिलेवेंट फैक्ट क्या है, जिससे आपके आंसर को क्लिक मिला, वो क्या है कि उन्हें बाद में पता चलता है कि ये अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन क्या है। दैट मीन्स बाद में पता चला मतलब मेमोरेंडम नहीं पढ़ा था। तो साफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है, ये इंडोर मैनेजमेंट की डिमांड करता है, तो इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। और सानिध्य का ही वही वाला एग्जांपल कि एक्सेप्शन में आएगा। इंडोर मैनेजमेंट साफ बोलता है पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़कर आने का, और अगर आपने नहीं पढ़ा है, नॉलेज ही नहीं है, तो भैया हम आपको सपोर्ट वैसे ही नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सबका, है ना, जोड़ तोड़ के आंसर बन तो गया ही था, लेकिन फिर भी कंफ्यूज थे। मत रहो, मैं कह रहा नहीं पता चलेगा, अभी फर्स्ट चैप्टर में ना कैसे पता चलेगा? ये आंसर बनाने वाले तो पूरी बुक को देख रहे हैं ना, आएगा, है ना, शायद से 14-15 वो चैप्टर है वो आएगा। तो एग्जाम में जब आप फाइनल एग्जाम देखो तो पूरा कॉम्बो होगा ना आपके पास, लेकिन तब सेक्शन इतने ज्यादा होंगे तो और याद ही नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रोविजन तो याद रहेगा ना, मैं नहीं कह रही सेक्शन नंबर याद हो, प्रोविजन तो याद रहेगा, अमाउंट याद रहेगा, ठीक है। और अमाउंट होता नहीं है, वो पेड अप कैपिटल बेस वगैरह रहता है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बाद में पता चलता है कि ये अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिस कारण से वो फाइल करता है और डायरेक्टर को बोलता है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर बाद में पता चल रहा है, दैट मीन्स वो पहले पढ़कर नहीं आए, अगर वो पहले ही पढ़ के आते तो कहानी वहीं खत्म हो जाती, समझा? चलो, अब पूरी कहानी उन्हें बताया, अल्ट्रा वायरस बताया, पर्सनल लाइबल बताया, और फिर कहानी। आप मुझे बताओ, प्रेजेंटेशन बताओ, कंक्लूजन समझ में आ गया? पर्सनली लाइबल रहेगा, बताओ प्रेजेंटेशन क्या, पहले प्रोविजन बताओगे, कौन सा प्रोविजन बताओगे, इनकी डिमांड क्या है, इंडोर मैनेजमेंट की डिमांड है, तो बताओगे इंडोर मैनेजमेंट में क्या होता है? इंडोर मैनेजमेंट में होता है कि आप पहले से मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़कर आओ, तो आउटसाइडर को हम सपोर्ट करेंगे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी बताना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है पढ़कर आने का, किसको फेवर करता है, कंपनी को। इस केस में लग तो वही रहा है, लेकिन आपको दोनों बातें तो बतानी पड़ेगी ना। जब आप इंडोर बताओगे तो उसके अंदर यही बताओगे कि भैया कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ के आने का, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप कवर करोगे, ठीक है, और फिर कहोगे कि हाँ कंपनी की जीरो लाइबिलिटी, क्योंकि पूरी लाइबिलिटी तो किसकी बनती है, डायरेक्टर की, क्योंकि बैंक ने लोन तो दे दिया ना। अब जो ये 50 करोड़ का, 85 करोड़ है ना, हाँ, जो ये 50 करोड़ का जो उसने लोन दिया है, कंपनी बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल वो डायरेक्टर, क्योंकि उसे तो मेमोरेंडम पता था, उसने वो गलत काम किया। किसकी गलती? इसलिए तो बोला कंपनी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता। अब डायरेक्टर के पास इतने पैसे ही नहीं है, लॉस। अब समझो समझो समझो, 50 करोड़ का लोन किसको मिला? आईटेक्स को मिला। कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्टर। अब जब डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है, इसके पास 50 करोड़ के एसेट ही नहीं है, तो क्या मैं बैंक को पूरे पैसे दे पा रही हूँ? तो बैंक की गलती भी है ना, गलती यही है कि उसको उसका पैसा पूरा वैसे ही नहीं मिल पा रहा। अब मैं मालदार पार्टी हूँ तो वो बात अलग है, उसकी फिर किस्मत है कि ठीक है निकलवा लेंगे, प्रॉपर्टी बेच बेच के मैं, है ना, जेल जाने से तो अपने आप को बचाऊंगी ना,
तो फिर मैं दे दूंगी, नहीं तो मैं जेल चले जाऊंगी, पैसा नहीं मिल रहा बैंक वालों को। क्यों बैंकों को इतना लॉस होता है? क्योंकि सारे के सारे लोग क्या बने बैठे हैं, एनपीए। सुना है क्या? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं? बैंकों के लिए लोन लेने वाले लोग क्या है? एसेट है ना, डेटर है ना हम, तो हम ऐसे एसेट है जो हम क्या नहीं कर रहे, बैड डेट्स बने घूमे हैं हम तो बैड डेट्स बन गए उनके, लॉस है उनका। तो बच्चों यस, बैंक को बहुत लॉस होता है अगर वो ऐसे नलायकों को लोन दे दे जो उन्हें चुका नहीं रही है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के देते। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, थोड़ा वो लॉस झेले थोड़ा हम झेले, ठीक है। एट द एंड ज़्यादा लॉस तो उन्हें का ही है ना, हम तो कह रहे भैया हम नहीं दे सकते, बताओ क्या करना है। देखो क्योंकि डॉक्ट्रिन ये सब अल्ट्रा वायरस की ही बातें करते, तो अलग से अल्ट्रा वायरस बड़े ब्रॉडर हेडिंग को एक्सप्लेन मत करना, क्योंकि हमें स्पेसिफिक होना है, स्पेसिफिक इंडोर और कंस्ट्रक्टिव जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक है। साफ लिखा है बच्चा, ऑब्जेक्ट क्लॉज मेमोरेंडम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की बात हो रही है, ठीक है। मेमोरेंडम को फोकस किया है, सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ लीडिंग केस लॉ। इन्होंने कहा भैया डॉक्टर अल्ट्रा वायरस लगेगा सबसे पहली बात, और ये केस का नाम दे दिया, और यहां से उन्होंने ये एक्सप्लेन करना चालू कर दिया, और फाइनली नीचे क्या बोल रखा है, क्या कुछ अलग लिखा है? तुमने कुछ और अलग सोचा था? नहीं, सेम ही सोच पा रहे हो, आंसर सोच पा रहे हो, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या प्रेजेंटेशन भी सोच पा रहे हो? कंक्लूजन तो क्लिक हो रहा है, प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, लीगल प्रोविजन पहले बताओगे, मतलब लीगल प्रोविजन क्या बताओगे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, वही मेमोरेंडम को फोकस करोगे, ठीक है। फिर लीडिंग केस की हेल्प से आपको बताना है, अब इनके भी खुद के फैक्ट्स दे रखे, इनके भी खुद के फैक्ट्स दे रखे, लेकिन फैक्ट्स उतने स्ट्रांग नहीं है, उतने ज्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ बोला कि भैया आप अपना एक केस लो और उसके साथ समझाओ, तो ऐश्वरी का केस समझा समझा कर आप किसी कंक्लूजन तक पहुंच जाओगे, बन जाएगा क्या एक और नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका फोकस क्या था 176 का, कि डायरेक्टर क्या है, डिस्क्वालिफाइड है, ऐसी कोई बात बोली क्या उन्होंने? नहीं, ठीक है। मोर स्टडी मोर कन्वे, जहां डायरेक्टर आता है तो सारी बातें याद आ रही है। हमें देखना है कि क्वेश्चन में डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं हुई थी, अगर डायरेक्टर ने कुछ ऐसा एक्ट किया जिसमें वो डिस्क्वालिफाइड है तो क्वेश्चन में आएगा, ऐसा कुछ भी हिंट नहीं है, ठीक है। आएगा वो क्वेश्चन भी आएगा भी, ठीक, क्लियर है? बढ़ू आगे, समझ में आ रहे मतलब ऐसे क्वेश्चन? क्वेश्चन सिंपल है, रीड करो क्या लिखा है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ऑपरेट, किसको ऑपरेट करता है, टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी, क्या लिखा है इन्होंने? एलुसाइड मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करो, जो कुछ आता है सब बता दो इसके बारे में। अब तुम ये बोलोगे दीदी जो ये लाइन बोली बिल्कुल सही, हमारा आंसर तो बस यस बोलकर आगे बढ़ना होगा, यस बोलो और एक्सप्लेन करो। ये कह रहे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को पूरे से एक्सप्लेन करो, कैसे ये प्रोटेक्ट करता है जरा हमें भी तो बताओ, वो ऐसा कह रहे तो बताओगे ना कैसे प्रोटेक्ट करता है भाई, कि पढ़कर आने का, कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाली बातें कहता है कि मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, और फिर इंटरनली अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हमें उसके बारे में नहीं पता, आपको तो फेवर मिलेगा, और ज्यादा ज्ञान देना है तो एक केस का नाम बताओगे। इंडोर मैनेजमेंट का केस कौन सा था? रॉयल ब्रिटिश बैंक, ठीक है। तो सब बता दो, एक्सेप्शन वगैरह सब 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 बताया विद केस का नाम। बढ़ू आगे, क्या लिखना था आंसर? पहले इंडोर मैनेजमेंट को समझाया, ठीक है, उसके एक्सेप्शन समझाए और केस का नाम भी दे दिया, थोड़ा ज्यादा दिखाया हमने अपने आप को, है ना। क्वेश्चन रीड करो, सबसे पहले नीचे से अदिति क्वेश्चन एक्सप्लेन करना बेटा, पढ़ो। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन साफ ये बोल रहा है कि आलोक एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, दिस कंपनी का, बोरो किया उसने अच्छा खासा अमाउंट, और उसे क्या किया, मिस अप्रोप्रिएटेड तरीके से यूज किया, मतलब गलत तरीके से उसने यूज किया। व्हेन द लेंडर डिमांड हिज मनी, अब वो आकर अपने पैसे को डिमांड करता है, वापस मांगता है, कंपनी रिफ्यूज कर देती है कि भैया हम पे नहीं करने वाले, हम बिल्कुल पे नहीं करने वाले, क्योंकि मनी किसने बोरो किया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया। हम आईटेक्स आईटेक्स जाके लोन ले लेता है,
ठीक है। अब आईटेक्स जाके लोन कैसे लिखे, वो तो आर्टिफिशियल बॉडी है, किसी एक डायरेक्टर को ही भेजा जाएगा ना बैंक में जाके साइन कर भाई, ठीक है, मुझे जाके भेज दिया, मैं जाके साइन कर कर आ जाती हूँ। अब मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है, कंपनी के बिहाफ में गलत गलत तरीके से यूज कर लेता है, ठीक है। अब मैं गलत तरीके से अगर यूज कर लेती हूँ, कल को बैंक आकर मुझसे वापस मांगता है पैसे दो, कंपनी से आके वापस मांगता है, तो कंपनी क्या कह रहा है कि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर ने गलत यूज किया है, एक काम करो मैनेजिंग डायरेक्टर को पकड़ो। ये बोल कौन रहा होगा, कंपनी। तो कंपनी का मुंह है क्या, वो बोल पाएगी क्या, रॉकी सर अभिषेक सर बोल रहे होंगे ना इसका मतलब, रॉकी सर अभिषेक सर बोल रहे हैं ना कि भैया कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पिंकी को पकड़ो, क्या बात समझ में आ रही है। तो यहां पे उन्होंने बोला कि आपने यूज किया, किसने यूज किया, कंपनी ने यूज किया, भाई एमडी गया था तो किसके बिहाफ में गया था, कंपनी के बिहाफ में किया था, बात समझ में आ रही है। अब वो इंटरनली मुझे तो बैंक को तो सही बता कर आए थे, बैंक को तो मैं सही बता कर आई थी कि भाई कंपनी ना एक ब्रांच खोलने वाला है, कॉमर्स के ही बच्चों को पढ़ाने वाला है। अब इंटरनली मैं वहां पे जाकर साइंस के बच्चों को पढ़ाती हूँ, बैंक को मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, मैं कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाऊंगी, अब यहाँ पे आके मैं साइंस के बच्चों के लिए यूज करती हूँ, तो गलती मैनेजिंग डायरेक्टर की मान जाएगी कि कंपनी, कंपनी रिस्पॉन्सिबल है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, इंडोर मैनेजमेंट है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, इंडोर मैनेजमेंट वाला। बैंक ने देखा कि मैंने लोन दिया है कॉमर्स के पर्पस के लिए दिया, उसने जाके लोन भी दे दिया। अब कंपनी देखो, कंपनी कभी कुछ नहीं कर सकती, करते उनके नालायक डायरेक्टर ही है, तो कंपनी अब रिस्पॉन्सिबल है ना, चाहे डायरेक्टर ने कुछ भी किया हो। हम यही तो पढ़ते हैं बार बार कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी जब इंटरनल मैनेजमेंट आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, इंटरनल मैनेजमेंट आ गया ना, कि आपने किसी और पर्पस के लिए यूज किया, तो भाई कंपनी अब बचना चाह रही है ये बोलकर कि मैनेजिंग डायरेक्टर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। लेकिन केस किया जाता है, किसमें केस किया जाता है, कंपनी पर, और साफ बोला जाता है कि भैया आप अंदर किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, हमें जो बताया हमने उस पर्पस के लिए दिया था, अब इंटरनली कुछ भी हो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगी, कंपनी। बात सीधी सी समझ लो। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो एक और डॉक्ट्रिन पढ़ा था, बताओ उस डॉक्ट्रिन का, फिर तीनों फंसेंगे ना, मैं अकेली क्यों फंस रही थी, क्या मेरी बातें समझ में आ रही है। दोनों ने मिलकर फंसा दिया कि मैनेजिंग डायरेक्टर पकड़ो भैया उसने गलत यूज किया, वो जाके साइंस की ब्रांच में पैसा लगा कर आया, ठीक है। मैंने क्या ऑब्जेक्शन रेस किया, बैंक ने क्या बोला, बैंक ने बोला भैया हमने कॉमर्स के लिए दिया था, तुम्हारा इंटरनल मैनेजमेंट है, हमें तो पैसा कंपनी से चाहिए। केस कौन जीता, बैंक। केस कौन जीता, बैंक। हारा कौन, कंपनी। पैसे कौन देगा, कंपनी देगा, अपनी बैलेंस शीट से निकाल कर पैसे दे देगा, ये बात रुकना। अब कंपनी का तो दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि मिलीभगत किसकी थी, हम सबकी। तो कंपनी पहले तो पे कर देगी, और कंपनी फिर क्या करेगी, कॉरपोरेट व्हील को क्या करेगी, लिफ्ट करेगी, फिर तीनों फंसेंगे। लेकिन अभी इंडोर मैनेजमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्सिबल कौन है, कंपनी। अब कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो गई इस केस में, लेकिन इस केस की कहानी उन्होंने आगे थोड़ी ना पूछी कि कंपनी कैसे रिकवर करेगा, तो एट द एंड कंपनी के सारे डायरेक्टर फिर फंसेंगे। अगर जब कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये सब आ रहा था, इंडोर मैनेजमेंट वाली जब बात आ रही थी, तो बच्चा पर्सनली तो मैं जा रही थी ना, पर्सनली तो मैं जा रही थी ना, अब पर्सनली मैं जा रही हूँ क्या, कंपनी पहले अपने पॉकेट से पैसा देगा, फिर बाद में लिफ्ट किया जाएगा, तब हम सारे के सारे लोग फंसेंगे। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन क्या पूछा, स्टिक रहने का, क्योंकि दिमाग हमारा और ब्रॉडर वे में जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, डिसाइड गिव रीजन वेदर द लेंडर वुड सक्सीड, क्या वो सक्सीड हो जाएगा, हाँ वो सक्सीड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पैसा किससे मांग रहा है, कंपनी से, कंपनी को पैसा देना पड़ेगा। अब कंक्लूजन तो समझ में आ गया, लिखेंगे कैसे, लेंडर सक्सीड रिकवरी द मनी फ्रॉम द कंपनी, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन आ जाएगा आपका। देखो इनका हाईलाइट करने का तरीका क्या है, बिल्कुल अलग से लिख दो, ये इनका तरीका है, ठीक है। तो अगर आप भी यही कर रहे हो, अलग से बस दिखना चाहिए, ये फोकस हो। अब यहाँ पर उन्हें पूरे केस को फैक्ट्स के साथ बताया कि भैया हाँ ऐसे ऐसे ऐसा ये सारी बातें हुई थी जो भी हमने आपसे डिस्कस किया, मिस अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ किया। अब मिस अप्रोप्रिएट तरीके से आप यूज़ करते हो तो इंडोर मैनेजमेंट फेवर करता है। तो वो हमने क्या पढ़ा था, सारे के सारे उसी के अंदर के तो पॉइंट्स थे। जब हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि भैया एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, काम किसने दिया है, आर्टिफिशियल बॉडी ने, आर्टिफिशियल बॉडी का खुद का दिमाग नहीं, मतलब हम तीनों का दिमाग था ना, तो आगे ना हम तीनों के दिमाग में ही सब, कंपनी आर्टिफिशियल बॉडी, ठीक है, आर्टिफिशियल का बॉडी है, तो रॉकी सर अभिषेक सर भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइड किया होगा ये सारे काम करने के लिए। तो जब लिफ्ट हो रहा है तो तीनों रिस्पॉन्सिबल हो रहे, पहले मैं अकेली हो रही थी ना, लेकिन हम, मैंने क्या कहा, मैं अकेली क्यों होंगी, हम सब
जिम्मेदार है इस चीज के लिए, तो टॉट वाली बात से तो हम तीनों भी फंसेंगे। टॉट के रूट से जाओ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल से जाओ, तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो दोनों वे है ना करेक्ट है। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। दिखा रही। अब मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है, कैसे लिखना है? आ गया। बस पर्पस है कि बच्चों आंसर सही से लिखो। आंसर जो पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है, वही पहले तो आंसर दो। तुम बार बार फोकस करो, मैं आपको बोल रही हूं कि मुद्दा क्या है, पूछा क्या गया है, केस सक्सीड होगा कि नहीं। हो सकता है अगर मैं इसी केस की बात करूं तो तुम बोलोगे हाँ, उसे पैसे मिलेंगे, लेकिन पैसे कौन देगा, कंपनी देगी कि डायरेक्टर? तो ये स्पेसिफिक आप लिखोगे कि हाँ कंपनी पैसा देगी। आप आंसर में क्या लिखोगे? हाँ उसको तो पैसा मिलेगा, लेकिन आपने बताया ही नहीं पैसा कौन देगा, कंपनी देगी पैसा कि डायरेक्टर पर्सनली देगा। अगर आप इतना स्पेसिफिक आंसर नहीं लिख रहे हो तो बच्चे नंबर नहीं मिलने वाला। हमें लगता है कि यार दीदी लिखा तो था, देखो पैसा मिलेगा, फिर मैं क्या कहूंगी बेटा पूरा पढ़ ले भाई, देने वाला कौन है? ठीक है, तो बी स्पेसिफिक। इसी केस को समझा दो। हाँ आ गया ये, तो अब मैं कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ? कर दूँ। चलो तो यहाँ पे सभा को करेंगे हम समाप्त।